मणिपुर में आगजनी की एक घटना के बाद बढ़ा तनाव, 5 दिन के लिए इंटरनेट बंद और 2 जिलों में धारा 144 लागू। मंत्रिमंडल विस्तार में देरी पर बोले सीएम शिंदे, कैबिनेट में जल्द शामिल होंगे मंत्री, डिप्टी सीएम से चर्चा जारी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीके सिंह ने अकासा एयर की पहली वाणिज्यिक उड़ान का किया उद्घाटन। अग्निपथ योजना के खिलाफ उतरा संयुक्त किसान मोर्चा, आज से देशव्यापी अभियान शुरू। पैरा टेबल टेनिस में भारत की भाविना पटेल ने जीता सोना, भारत की झोली में आया 13वां गोल्ड, सोनल बेन पटेल के नाम ब्रॉन्ज। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। चलिए रूबरू कराते हैं आपको उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों के साथ। गाजियाबाद के हिंडन में छठ घाट पर तिरंगा शाखा अभियान के तहत आज आम आदमी पार्टी के सांसद व यूपी प्रभारी संजय सिंह की ओर से अभियान चलाया गया, जिसमें हिंडन नदी के छठ घाट की सफाई की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि खुद ही अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए इसे साफ सफाई का ही एक हिस्सा समझे और साथ ही साथ साफ सफाई को अभियान का एक हिस्सा बनाए। चौथा हफ्ता है हिंडन नदी में सफाई अभियान का और इसके पहले लगभग 6 सप्ताह से हम लोगों का पूरे उत्तर प्रदेश में तिरंगा शाखा का अभियान चल रहा है, के लिए जिनका 11 लाख करोड़ रुपए माफ किया है सरकार ने। एक पूंजीपति मित्र को प्रधानमंत्री जी ने 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया है, जिसकी कुल संपत्ति 10 लाख करोड़ की है। ये इस देश के लोगों को समझना चाहिए कि ये सरकार किसके लिए काम कर रही है, आपके लिए काम कर रही है या उन चंद लोगों के लिए काम कर रही है। इस देश के 92 लोगों के पास 55 करोड़ लोगों के बराबर की आमदनी है, विषमता का स्तर आप सोच सकते हैं। मैनपुरी में कई पौराणिक इतिहास है, यहाँ के कपिल मुनि आश्रम का बहुत ही ज्यादा महत्व है। आपको बता दें कि द्वापर युग में धृतराष्ट्र से नाराज होने के बाद महात्मा विदुर इसी आश्रम में रहे थे। वहीं सतयुग में कपिल मुनि भी गंगा सागर जाते समय यहीं रुके थे और उन्होंने यहाँ तपस्या भी की थी। आपका स्वागत, मैं हूँ अमरजीत सिंह। आज मैं जनपद मैनपुरी बेवर थाना क्षेत्र कपिल मुनि आश्रम में मौजूद हूँ। यहाँ का एक जो मंदिर है, यहाँ का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे बहुत बहुत दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं और अपने यहाँ पे जो भी मनोकामना होती है पूर्ण होती है। इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। श्रद्धालु लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मीना। अच्छा, कहाँ से आए हो? अर्जुनपुर से। अभी तो मैनपुरी से आ रही हूँ, वैसे रहने वाली अर्जुनपुर। अच्छा, आप यहाँ पे घूमने आते हो तो यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण है, किस लिए आते हो? सावन के महीने में ये शंकर जी का ज़्यादा नाम प्रसिद्ध है, तो सभी लोग आते हैं। पहले हमारी दीदी हैं यहाँ, तो हम यहाँ रहते थे, तो हर सावन में यहाँ आते थे। यहाँ आप यहाँ पे कुछ मनोकामना पूर्ण होती है? हाँ, कुछ भी बोलो, जैसे तो सुख शांति मिलती है हमको दर्शन करने में, और मानो तो वो पूरा भी होता है। इनका कहना है कि यहाँ पे हम आते हैं, हमारी जो भी मनोकामना होती है पूरी होती है, और यहाँ से बहुत बहुत श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ पे। और एक श्रद्धालु मौजूद है, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? रंजना। कहाँ से आए हो? यहीं बेवर से। यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण है? मंदिर प्रसिद्ध है, गुरुजी महाराज का अकान, गुरुजी महाराज प्रसिद्ध हैं, तो जो भी दुआ मांगते हैं और पूरी होती है, दुआ देते हैं गुरुजी। अब तो अंतर ध्यान हो गए, समाधि बन गए। तो यहाँ आप आए हो तो आपकी कुछ मनोकामना पूरी हुई? जी हाँ, पूरी हुई। हमने बेटियाँ थी, 3 बेटा मांगा, बेटा मिला, पढ़ाई लिखाई भी हुई अच्छा, और शायद नौकरी में भी चला जाएगा। अभी इससे मैंने कहा। आप यहाँ कब से आ रहे हैं? हमें 32 साल हो गई, हमारी यहाँ शादी जब से बरोबर आते हैं, हर साल आते हैं सावन में, और यहाँ खाना वगैरह लेके आते हैं, अपने खाते पीते दोपहर इधर गुजारते हैं, मंदिर अच्छा लगता और मेला जुड़ता था। गुरु जी थे जो सब यहाँ चाहे चलने का मौका नहीं मिलता था जब ऐसे सब। अब गुरु जी हैं नहीं, तो एक आदि आते जाते। तो इनका कहना ये है कि यहाँ पे ये
बहुत दिनों से आ रहे हैं, इनकी जो भी उन्होंने यहाँ पे कुछ मांगा इनकी सारी मनोकामना पूरी में मेरे साथ मौजूद हैं, मेहनत जी मौजूद हैं, मैं उनसे यहाँ का इतिहास जानता हूँ, यहाँ का क्या महत्वपूर्ण है। नमस्कार मेहनत जी, मेहनत जी नमस्कार, जय श्री राम। यहाँ का क्या महत्वपूर्ण है, यहाँ का इतिहास? सबसे पहली बात, यहाँ पे कपिल मुनि की तपोस्थली है जो कि एक सिद्ध पुरुष थे और सांख्य योग के प्रेरिता थे, उन्होंने ही सांख्य योग चलाया था। कपिल मुनि की स्थली होने के बावजूद फिर यहाँ संतों का जमावड़ा रहा, आना जाना रहा, जमातें आती रहीं, तो जहाँ पे संत रहते हैं वहाँ पे वैसे ही तीर्थ जो है बन जाते हैं, क्योंकि मुद मंगलमय संत समाज जो जड़ जंगम तीर्थ रहा है। फिर यहाँ पे कपिल मुनि के बाद सुखराजगिरी महाराज का जो सानिध्य मिला, जो कि वो भी एक तपस्वी थे। इसके बाद में धीरे धीरे जब आश्रम बनता रहा और बनने के बाद अब यहाँ पे सीधे तिरुपति महाराज के यहाँ से मूर्तियाँ आई हुई हैं और तिरुपति जी का मंदिर बन के तैयार हो चुका है। कुछ ही समय के बाद में उसमें मूर्तियों का शिलान्यास हो जाएगा और उसके बाद में वो भी चालू हो जाएगा। अगर यहाँ की बात की जाए, मैंने आपको श्रद्धालु लोग मौजूद थे, मैंने उनसे सुना है कि वो लोग बता रहे हैं यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं और सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, कहाँ तक ये सत्य है? ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कलकत्ता से लेकर आप पेशावर तक चले जाइए जीटी रोड पर, कहीं भी इतना बड़ा आश्रम ऑन रोड आपको नहीं मिल सकता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऋषियों की तपोस्थली होने के कारण जो भी इच्छा करते हैं व्यक्ति, उनकी सभी की श्रद्धा के अनुसार जो अपनी इच्छा लेके आते हैं वो अवश्य पूर्ण होती है, इसमें किसी तरीके की कोई जो है शंका या संदेह नहीं है। जब भी समय होता है लोग अपनी अपनी इच्छाओं के आधार पर, किसी की मनोकामना पूर्ण हुई तो कोई यहाँ पे झंडा चढ़ाते हैं, तो कोई अपने फलदान करते हैं, तो कोई भंडारा कराते हैं, ये नित्य प्रति चलते रहते हैं। अरे बात यहाँ की है, आप यहाँ कितने वर्षों से सहयोग कर रहे हैं? लगभग जितना समय आश्रम का है और उतना ही समय लगभग। यहाँ मैंने देखा, यहाँ पे जो मैंने गुफाएं देखी, मतलब यहाँ की गुफाएं लोगों का कहना है इतनी अच्छी गुफाएं यहाँ पे कहीं भी नहीं है। देखिए गुफाएं बिल्कुल अच्छी हैं, बहुत ही सुंदर हैं। अगर आप देखेंगे उनके ऊपर जो हमारे मूर्तिकारों ने जो कटिंग की है, नक्काशी की है, वो वाकई में देखने लायक है। दूर दूर से लोग देखने आते हैं, कई वीडियोग्राफर भी यहाँ की उस सीनरी को अपने कैमरे में कैद करके ले गए और जगह जगह जाकर के उन्होंने उसे लगाया। खबर गाजियाबाद के ग्राम कनावनी के पुस्ता रोड से है, जहां से दिन दहाड़े एक महिला से लूट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि दो बाइक सवार युवकों ने एक महिला को निशाना बनाकर उसके कानों के कुंडल को लूटा और मौके से फरार हो गए, जिससे महिला के कानों में काफी चोट आई है। महिला को इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया, वहीं पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। साथ ही साथ अब पुलिस मौके पर सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालने में जुटी हुई है। बैठल थे वो, यहाँ बैठल थे हम यहाँ। अच्छा, वो आया गाड़ी वहाँ लगाया। हाँ। गाड़ी लगा के एगो गाड़ी तब यहाँ एगो आया, हम सोचे कि शादी घर में जाएगा। हाँ। गया कि हम गोछा पहन के जाएगा। हाँ। वो आया इनको ऐसे कान पकड़ के इसे उठाया, दोनों कान वाला खींच गए, पेटे के भार गिर गया। हम तो इनको उठाया, हमने कान वाला नाक हम गए छुरा मार दिया बुझा। हम इनको उठाए कहे माँ की हो गया कि बोले, वो जब उठे तो बोले कि काना वाला दोनों लेके गया। जी आपके साथ भी कुछ हुआ कराया उन्होंने? हम इनको देखे ऐसे उठाए, गिर गए काने पकड़ के पूरा। आप सुबह सुबह आप सुबह क्या करने आए थे? आप सुबह सुबह घूमने के लिए आप थे? क्या मामला हुआ आपके साथ आज सुबह की? कोई घटना थी, आप मॉर्निंग वॉक पे गई थी, क्या मामला? बाल पकड़ के गुजार दिया, कान वाला खींच लिया, कान फाड़ दिया। अच्छा, कौन लोग थे वो, क्या चीज से थे? पता नहीं, काला टी शर्ट पहने था, पैंट पहने था। अच्छा, तो क्या चीज से आए थे वो? मोटरसाइकिल से आया था। अच्छा, तो इसके अलावा कोई चोट वगैरह लगी आपको? ना, यही बड़े जी पर खड़े थे। तो आपको क्या छीन के ले गए? कुंडल, कुंडल कान का कुंडल। हाँ, कान का कुंडल। आपने देखा उनको? को आप मुंह दिया, मुंह किया नीचे बाजार दिया बाजार। तो आप फिर वहां गिर गए? गिर गए।
खबर बुलंदशहर के NH91 से है, जहां तेज रफ्तार ट्रक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि वीडियो में एक युवक ट्रक की खिड़की पर लटका हुआ है और अजीब तरीके से हाईवे पर इधर उधर ट्रक दौड़ाता हुआ नजर आ रहा है। इस खतरनाक वीडियो को ट्रक के पीछे चल रहे एक कार सवार ने कैद कर लिया, साथ ही यूपी पुलिस को भी इस पूरे मामले की सूचना भी दे दी। वही पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है कि आखिर ये ट्रक किसका है और ये ट्रक कहां से आ रहा था और कहां जा रहा था। खबर मुरादाबाद के कुंदरकी थाना इलाके से है, जहां एक महिला दारोगा से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि महिला दारोगा अपनी ड्यूटी पर थी, इस दौरान एक मानसिक रूप से कमजोर युवक से दारोगा की मामूली कहासुनी हो गई। इस पर युवक उग्र हो गया और उसने महिला दारोगा की लाठी छीनकर उसकी जबरदस्त पिटाई कर दी। जबकि वहां मौजूद आसपास के लोगों ने दारोगा को बचाया तो वहीं मौके पर पहुंचे अन्य पुलिसकर्मियों ने युवक को हिरासत में भी ले लिया है। कि किस तरह से महिला दारोगा के साथ खुलेआम बीच बाजार में अभद्रता की गई और मानसिक रूप से पीड़ित एक युवक ने महिला दारोगा के साथ अभद्रता की, वही इस पूरे मामले की जानकारी जैसे ही अन्य पुलिसकर्मियों की हुई मिले, वो तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्होंने युवक को हिरासत में ले लिया है। ताजनगरी आगरा में बने सेल्फी पॉइंट पर आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आपको बताते चले कि 2018 से हर साल सेल्फी पॉइंट पर ही ध्वजारोहण कार्यक्रम होता आ रहा है। वहीं SP मुस्ताक अहमद ने बारिश के बीच ध्वजारोहण किया, जिसकी तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि अब पूरे प्रदेश में 75वें स्वतंत्रता दिवस की धूम देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में आगरा में भारी बारिश के बीचों बीच भरे लोगों के बीचों बीच ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया। वहीं SP मुस्ताक अहमद ने बारिश के बीच ही ध्वजारोहण भी किया, जिससे लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। तिरंगा चौक पे जो है ध्वजारोहण करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये निश्चित रूप से मेरे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मुझे आज ये मौका मिला। और आज जो है अमृत महोत्सव भी अभी चल रहा है, आज़ादी का 75वां वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार जो है सभी जगहों पर हम लोग देश प्रेम की भावना को बढ़ाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम जो है वो कर रहे हैं। और यहाँ पर आकर के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये लगभग 5 सालों से लगातार इस चौक पे एक निश्चित टाइम पे लगातार इस ध्वजारोहण का कार्यक्रम जो है वो वॉलंटरी स्तर पे लोगों के द्वारा किया जाता है। ये बहुत ही एक समाज में एक बहुत ही बेहतर संदेश जो है वो देता है और इससे देश प्रेम की और राष्ट्रवाद जो है वो हमारा मजबूत होता है। बुलंदशहर में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। आज 30 नए कोरोना के मरीजों की जनपद में पुष्टि हुई है। इसी के साथ ही जनपद में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 128 हो गई है और अब तक कोरोना संक्रमित 26,727 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं। वहीं लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अब अपील भी की जा रही है, जबकि जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर गौरव सक्सेना ने कोरोना मरीजों की नए मामलों में पुष्टि की है। कानपुर में बारिश के कारण अपार्टमेंट का पिलर धंसने से हड़कंप मच गया। वही पुलिस ने पूरे अपार्टमेंट को खाली करा दिया है, जिसके बाद से पाखरानी बिल्डर्स के बनाए अपार्टमेंट की गुणवत्ता पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। आपको बता दें कि KDN जोन 3 के गोविंद नगर प्रेम वाटिका अपार्टमेंट का ये पूरा मामला निकल के सामने आया है, जहां अपार्टमेंट की अब गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। पिलर धंसने से लोगों में हड़कंप मच गया है। कानपुर की खबर आपको बताते चले, जहां अपार्टमेंट की गुणवत्ता पर अब बड़े प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं कि आखिर किस तरह से यह अपार्टमेंट बनाया गया था जो बारिश होने से इसका पिलर धंस गया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रधान डाकघर में तिरंगे के बिक्री के लिए बनाए गए सेल्स अकाउंट में तिरंगा खरीदने वालों का तांता लगा हुआ है, जबकि सरकार के आदेश पर यहां जो सेल्स आउटलेट बनाए गए हैं वहां सुबह से ही लोग तिरंगा खरीदने के लिए जुट रहे हैं। जबकि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यहां पर करीब 1500 तक के कपड़ों के अभी तक तिरंगे बेचे जा चुके हैं, जबकि ये सभी
कपड़ों से तिरंगे बनाए जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसके चलते हर सामान्य व्यक्ति इन तिरंगों को आसानी से खरीद सके और 15 अगस्त में अपने घर ले जाकर उन्हें फहरा सके। और यहां पर 10,800 तिरंगे के बेचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और अधिकारियों का कहना है कि वो जल्द से जल्द इस लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे। अगर तिरंगा झंडे के कैंपेन के तहत जो है 10,800 झंडे हमारे यहाँ आए हैं बिक्री हेतु। एक झंडे का कीमत 25 रुपए है और इसके लिए स्पेशल काउंटर भी बनाया गया है, जिससे हर व्यक्ति आसानी से तिरंगा झंडा ले सके और अपने घर पे लगा सके। कितने का सेल हो? अभी तक हमारे यहाँ लगभग 1500 का सेल हो चुका है। रिस्पॉन्स कैसा है पब्लिक का? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है इसका, और कई लोग तो 500-500 के ले जा रहे हैं। अभी दो ऑर्डर हमारे पास 1500-1500 के आए हैं, जिसमें एक एनटीपीसी मेजा का भी है। और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री योगी जी का नारा है कि हर घर तिरंगा होना चाहिए, तो मुझे भी लगा कि भाई मेरे घर में तिरंगा होना चाहिए, देश हमारा है, समाज हमारा है, तो जो एक आह्वान है उसके तहत हम यहाँ लेने आए हैं। अलीगढ़ के कोतवाली इगलास के कस्बे में एक अनियंत्रित ट्रक ने एक कार में टक्कर मार दी, जिसके बाद ट्रक के द्वारा गांव करथला के पास भी एक ट्रक को रौंद दिया गया। दोनों कारों में सवार करीब 6 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें स्वास्थ्य केंद्र इगलास में भर्ती कराया गया है। वही जैसे इस घटना की जानकारी पुलिस को हुई तो मौके पर पहुंची इलाका पुलिस हरकत में आ गई और पुलिस ने जाँच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। इतनी देर मुझसे पीछे ही मेरी गाड़ी में गाड़ी नंबर, ये ट्रक ने कितना नंबर भी है, इसने एक्सीडेंट मार दिया और मेरी गाड़ी पूर्ण तरीके से डैमेज है। तो कौन सी गाड़ी थी आपकी? मेरी थी ट्यूबी कार थी आपकी? महिंद्रा कार थी। कार? अच्छा, तो किस तरीके का नुकसान वगैरह हुआ है? एक साइड पूरी खत्म कर दी है और पीछे आगे से भी बहुत बड़ा नुकसान है मेरी गाड़ी में। जैसे जो जो कैंटा जो आपकी गाड़ी में नुकसान कर गई है, क्या उसने किसी और कार को भी ठोका है क्या? हाँ, पता चला है कि करीबन 2-2.5 किलोमीटर दूरी पर, 2 किलोमीटर दूरी। सुल्तानपुर के नगर कोतवाली में अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस की माने तो पुरानी रंजिश में भतीजे ने इस घटना को अंजाम दिया है। वही घटना की सूचना लगते ही भारी मात्रा में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। फिलहाल आरोपी भतीजे ने पुलिस को सरेंडर कर दिया है। खबर सुल्तानपुर से निकल के सामने आ रही है, जहां आरोपी भतीजे ने पहले तो इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, जबकि पुलिस के पास खुद ही सरेंडर करने पहुंच गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशुतोष। आशुतोष, जमीनी विवाद में एक अधेड़ की हत्या की खबर निकल के सामने आ रही है, तो क्या कुछ था ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, आपको बता दें कल बीती रात की घटना है, लगभग 8 बजे की, और ये घटना को लेकर थोड़ा दहशत का भी एक माहौल बन गया है, और इसके पीछे भी एक कारण रहा पुरानी रंजिश का मामला जी। और ये पुरानी रंजिश का जो मामला निकल के आ रहा है, ये पारिवारिक में ही जानकारी के हिसाब से सूत्रों में आ रहा है जी। बताते चले कि आपको अभी तक जो है इसमें क्या कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक कोई आगे जानकारी नहीं मिली है। हालांकि पर्यटन की मृतक के मुताबिक जो है पुलिस की कार्रवाई चालू है। धन्यवाद आशुतोष इस खबर पर हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस